हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों पालन करने में भी मदद करेगा। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का गठन सन 1911 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की तो सबसे बिजिएस्ट इन द साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडिया में तो दिल्ली में ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं दिल्ली। ये मैप में दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही में हमारे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण विकसित किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ANC यानी कि ARCI एंड SCTI MST। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री यानी कि ARCI और श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SCTI MST तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से नई पीढ़ी के लो मैगनीज आधारित मिश्र धातुओं का विकास किया। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस IIT द्वारा MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIR AHT कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य इस संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। साथ ही यह लॉकडाउन के बाद विभिन्न परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.2%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली यानी 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स जारी की है। UN ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। एक निजी क्षेत्र का बैंक है फेडरल बैंक लिमिटेड, भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। इस साझेदारी से लोगों का कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवार को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक के पास देश के प्रेषण बाजार का 15% शेयर है और उम्मीद है कि मनीग्राम के लिए साथ टाई अप से कारोबारों को और बढ़ावा मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और किस बैंक ने 145 मिलियन की परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AIIB। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई सेवाओं में सुधार करना है। चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हैं। इसका गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर श्री जगदीप धनगर, कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ला चंद्र घोष। फर्स्ट गवर्नर सी राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। स्टेट ट्री है चैतिम ट्री। फ्लावर एंड नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। एनिमल है फिशिंग कैट। बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। मेन डांस है वृथा कीर्तन, चाऊ, संथाल, तोसू एंड गंभीरा। मेन रिवर है महानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता और गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क है सुंदरबन, बक्सा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं वेस्ट बंगाल। ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार को शुरू करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करनी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, जो कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच गिर गई है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सुश्री अनुसैया। कैपिटल रायपुर। फर्स्ट सीएम अजीत जोगी। फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें पॉपुलेशन की, SC ST की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा 50% यहीं पे है। चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती रिवर में के किनारे है, वो भी छत्तीसगढ़ में है। स्टेट ट्री की बात करें, साल इसका पुराना नाम था दक्षिण कौशल। एनिमल है वाइल्ड बफलो। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। मेन फेस्टिवल है पोला, दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी, महानंदी। स्टेट डैम से पंथी। डैम से दुधवा, सागर, राबो एटसेट्रा। नेशनल पार्क है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों के बारे में बताते हैं। UP है नॉर्थ में। MP महाराष्ट्र वेस्ट में। तेलंगाना साउथ वेस्ट में। उड़ीसा ईस्ट में। झारखंड है नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं छत्तीसगढ़। ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने मोबाइल इंडोर डिस इन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट, बैटरी पावर्ड डिस इन्फेक्टेंट स्प्रेयर और न्यूमेटिकल ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिस इन्फेक्शन विकसित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSIR। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने 2 मोबाइल इंडोर डिस इन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट, बैटरी पावर्ड डिस इन्फेक्टेड स्प्रेयर और न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिस इन्फेक्शन विकसित किए हैं। इन कीटाणु शोधन इकाइयों का उपयोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों की सफाई और कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से अस्पतालों में। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सिक्किम का राज्य दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 मई। सिक्किम ने 16 मई 2020 को 45वां राज्य दिवस मनाया। यह चिंतन भवन परिसर गंगटोक में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में मनाया गया। समारोह को सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने लॉकडाउन के बीच रखा। चलिए अब आपको सिक्किम के बारे में बताते हैं। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री PS तमांग। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की श्री गंगा प्रसाद। कैपिटल गंगटोक। फर्स्ट CM काजी लैंडेव डोरजी। फर्स्ट गवर्नर BB लाल। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 4। मेन रिवर यहाँ का है तीस्ता। ट्री है रोडेंड्रॉन। फ्लावर है नोबेल ऑर्किड। एनिमल रेड पांडा। बर्ड है ब्लड पेजेंट। मेन डैम से गुम्फा। नेशनल पार्क की बात कर तो कंगचेंग जोंदा। रैम्स डैम से रंजित, जोरेनथांग और लूप। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं सिक्किम। ये मैप में सिक्किम।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रंगप्पा नाइक। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। वे 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे फॉर्मर JDS MP राजा रंगप्पा नाइक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने ICGS सचेत और दो इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और दो इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है, जो कि COVID-19 महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बात करें C-450 और C-451 लार्सन एंड ट्रोबो सिपेट हजीरा द्वारा देश में डिजाइन और निर्मित की गई है और ये नवीनतम नौसंचालन और संचार उपकरणों में से लैस है। 30 मीटर लंबी दो नौकाएं 45 समुद्री मील से भी अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है और उन्हें उच्च गति के से अवरोधन तट के करीब गश्ती और कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन से चरण में उठाए जाने वाले कदमों का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौथे चरण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए कल चौथे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी साझा की। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था। अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के इस चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित बताया, जिसमें से कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डा, रखरखाव, मरम्मत और समग्र केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। PK स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में भारत में लॉकडाउन 4 कितने मई तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 31 मई तक। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ाया है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की जगह 5 जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों में बांटा जाएगा। नए 2 जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रुक रुक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के में रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा स्टेडियम बिना दर्शक खुले रहेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इससे एक जगह से दूसरे जगह के जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बात करें नए दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू हवाई एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रखेगी। चलिए ले चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पुलिस विभाग ने स्कूली लड़कियों के लिए सुकन्या नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने माटिर स्मृति योजना शुरू की है? इसका भी सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में
यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।